हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन रेल फैन। और आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है कि आप इंजन्स एंड कोचेस में साउंड कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको दोनों में करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको कोच में करके दिखाऊंगा और फिर मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि आप इंजन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए दो चीज़ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। पहली आपको वो चीज़ आपको जिस कोच में अपना ट्रैक मतलब साउंड जो है इंस्टॉल करना है वो आप कोच को एक अलग फोल्डर में रख लीजिए। जैसे कि अब मेरे को एक्सप्रेस कोचेस में करना है इंस्टॉल, तो मैं उसको अलग एक फोल्डर में कॉपी करके रख लूँगा। अब जैसे कि मैं ई दबाता हूँ और मेरे ये रहा मेरा एक्सप्रेस कोचेस का ये फोल्डर है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और आकर अपने मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, उसको नेम देता हूँ ओनली फॉर साउंड। ऐसे कोई भी आप नाम दे सकते हैं जैसे मैंने दिया। और इसको ओपन करके पेस्ट कर दीजिए आपने इस कोचेस में साउंड इंस्टॉल करना है। अब आपने जो सा साउंड आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका भी जो फोल्डर है उसको कॉपी कर लीजिए। अब जैसे मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, अगर मैं डीसी कोच साउंड वर्जन 4 इंस्टॉल करूँगा, वैसे तो बहुत सारे इसके बाद आ चुके हैं, एक दो नहीं 10-12 आ गए हैं इसके बाद, मगर वैसे मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूँ। नाग गली में दशहरे को लेके आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, सॉरी इस चीज़ के लिए। और देखिए अब मेरा ये कोच का फोल्डर हो गया, इसमें मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ साउंड को। और जो ये मेरा साउंड वाला फोल्डर है, इस वाले साउंड्स को मैं उन कोचेस में लगाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप एक्सप्रेस कोचेस ये जो फोल्डर है इसको ओपन कर लीजिए और इसमें देखिए कि पहले कोई साउंड का फोल्डर है या नहीं। तो यहाँ पे हम एक साउंड का फोल्डर देख पा रहे हैं, तो इस साउंड के फोल्डर को आप डिलीट ना कीजिए बल्कि ये जो साउंड फोल्डर है इसको लिख लीजिए साउंड बैकअप, या लिख लीजिए साउंड 1, 2, 3 या कोई भी और नाम दे दीजिए। अब मैंने इस पर साउंड बैकअप कर दिया, तो अब हमने उसको तो जो हमारा पहले साउंड का फोल्डर जो चल रहा था उसको अब हमने मतलब एक किस्म से ख़त्म कर दिया। अब हम जब ये कोचेज़ यूज़ करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। तो अब हम ये वाले कोचेज़ के जो साउंड है इनको इंस्टॉल करते, तो इसके फोल्डर में जाइए और ये जो साउंड फोल्डर है यहाँ पे आप एक साउंड फोल्डर देखेंगे हर एक को मतलब जो कोच का फाइल होगी उसमें आप हर साउंड का एक फोल्डर देखेंगे, उसको ओपन कीजिए। अगर उसमें ऐसी फाइल्स हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको कॉपी कीजिए एंड जिस भी आप फोल्डर में इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ आके पेस्ट कर दीजिए। अब मैंने जैसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया ये वाली फाइल, तो अब पहले एक बार आप ये जो साउंड का फोल्डर है इसको ओपन कीजिए और इसमें चेक कर लीजिए कि कौन कौन सी SMS फाइल दी हुई है। जैसे इसमें दी हुई है ASW WAG.SMS, EXP WAG.SMS, Passenger Out.SMS, ये तीन हमारे को SMS फाइल दी हुई है, तो बैक कीजिए। और अब जो भी हमारे पास ये कोचिस की जितनी भी बैक फाइल है उनको नोट पैड में ओपन कीजिए। डबल क्लिक करके देखिए मेरी ये फाइल जो है नोट पैड में ओपन हो गया है। तो इसके बाद आप कंट्रोल प्लस एफ कीजिए, आपके पास एक ऐसी स्क्रीन खुलेगी उसमें आप SMS लिख के ना सर्च कीजिए। सर्च किया तो यहाँ पे हमारे को आ रहा लिखा हुआ कि ये जो हमारा AC2T ट्रांस जो फाइल है वो ASW WAG.SMS फाइल यूज़ कर रही है, तो इसको नहीं छेड़िए, बंद कर दीजिए। और उसके बाद हमारी सेकंड फाइल
एसी थ्री टायर ट्रांस को ओपन कीजिए और सेम वैसे ही कंट्रोल प्लस एफ एसएमएस, ये भी सेम फाइल यूज़ कर रही है, नहीं छेड़ना इसको भी, और एसएलपी इसको भी सेम तरीके से कंट्रोल एफ एसएमएस एएसडब्ल्यू वैग। और उसके बाद लास्ट हमारी जो फाइल है एसएलआर ट्रांस, इसको जो है कीजिए, इसको भी ऐसे, ये भी वही फाइल यूज़ कर रही हो, हाँ जी ये भी फाइल वही यूज़ कर रही है एएसडब्ल्यू वैग एसएमएस। तो कुछ नहीं छेड़ना, बस रिफ्रेश कीजिए, बैक आइए, इस फोल्डर एक्सप्रेस को चीज़ को कॉपी कीजिए और जो भी आपकी डायरेक्टरी है वहाँ जाके पेस्ट कर दीजिए। ओ सॉरी, गलत जगह आके पेस्ट कर दिया। आपको ट्रेन से में जाना है और ट्रेन सेट की डायरेक्टरी में यहाँ के आप पेस्ट कर दीजिए। मूव एंड रिप्लेस मांग रहा है, यस, सारी चीज़ों को कर दीजिए। और अब हमारा ये जो कोच के जो साउंड है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट एंड शेयर वीडियो को ज़रूर करें ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंच पाए। थैंक यू।